फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि वे मम्मियां जो कामकाजी होती हैं, यानी कि वर्किंग वुमेन होती हैं, उनके बच्चे ज्यादातर या तो अस्वस्थ होते हैं या फिर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो से। दोस्तों, अगर आप भी कामकाजी वुमेन हैं और आपके घर में भी बच्चे हैं, तो यकीनन आपके बच्चे जरा सी देर में बीमार हो जाते होंगे। हो सकता है कि आपको हर रोज उनकी बीमारी की खबर ना मिलती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप कामकाजी हैं तो आपको ऑफिस पर भी ध्यान देना है, घर पर भी ध्यान देना है और बच्चे की पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान देना है। लेकिन जब भी हम किसी एक चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो दूसरी चीज हमारे हाथ से छूटती ही चली जाती है और इसी चक्कर में हम अपने बच्चे पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं और इसीलिए अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान ना दे पाना हमारी गलती बन जाती है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी माँ स्पेशली अपने बच्चों पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाती हैं, उसकी वजह से बच्चों के अंदर काफी ज्यादा बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं। जब भी बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता है तो वह अक्सर हल्के फुल्के डिप्रेशन में आता चला जाता है और अगर उनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो ये डिप्रेशन समय के साथ साथ बढ़ता ही चला जाता है। बच्चे ओवर ईटिंग का शिकार बनते हैं, कई बार समय से खाते ही नहीं है। बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किसी भी मौसम के अंदर उन्हें अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती है, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाती है कि जब हमारे मम्मी पापा को हमारी फिक्र नहीं है तो हमें क्या। इसीलिए अपने बच्चों पर फोकस करना, उनकी देखरेख करना, खाने पीने के बारे में सोचना, जब भी वो स्कूल से वापस आते हैं तो उनकी पढ़ाई के बारे में पूछना। आप सोच रही होंगी कि अगर हम वर्किंग वुमेन हैं तो हम स्कूल से आते हुए बच्चे को कैसे देख सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। माना कि आप अपने घर पर आकर बच्चे को नहीं देख सकती हैं, लेकिन आपको उसके आने का वक्त तो पता है ना। आप ऑफिस से अपने बच्चे को फोन कर सकती हैं और अपने बच्चे को खाने की इंस्ट्रक्शन दे सकती हैं कि उसका खाना कहाँ पर रखा है, बच्चे से पूछ सकती हैं कि उसका स्कूल का दिन कैसा रहा। फोन करने भर से ही बच्चे को लगता है कि आप उसके पास हैं और वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश भी कर लेता है। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।